असम के गुवाहाटी में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने आज कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए संसद सत्र ना चलने देने का आरोप विपक्ष पर लगाया है। इसके अलावा उन्होंने आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वोत्तर राज्यों में जीत का पूरा विश्वास जताया। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 25 में से 21 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। कांग्रेस की नीतियां फूट डालो और राज करो की रही और भाजपा की नीतियां सबका साथ सबका विकास की रही है। शाह ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा पूर्वोत्तर भारत में लगातार आगे बढ़ता रहेगा और पार्टी वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव भी जीतेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए शाह ने कहा कि मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 10 साल में असम के विकास के लिए क्या किया है। देश की संसद को चलाने के लिए करोड़ों का खर्चा होता है और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 20 दिनों से कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि संसद चले, वह सिर्फ शोर मचाना चाहती है। हम सभी मुद्दों पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष संसद को चलने नहीं देना चाहती। शाह ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मैं विपक्ष को चुनौती देता हूं। भाजपा सरकार इसका सामना करने को तैयार है, हमारे पास पूरी बहुमत है, संसद को चलने नहीं दे रहा है। 2014 के चुनाव में हमारे नेता और अब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने कहा था कि अगर 2014 में हमें मैंडेट मिलता है और हम सरकार बनाते हैं तो हमें सुनिश्चित करेंगे कि देश के पूर्वी हिस्से और उत्तर पूर्व का विकास देश के पश्चिमी हिस्से जितना होगा, इसका हमने वादा किया था। उन्होंने कहा था कि भारत माँ की दो भुजाएं हैं, एक पश्चिम है एक पूरब है, एक और तो विकास बहुत हो चुका है मगर कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ये नॉर्थ ईस्ट विकास से कोसों दूर मीलों दूर रह गया। और हमने वादा किया था कि उत्तर पूर्व के विकास को हम आगे बढ़ाएंगे और इस बात को 4 साल समाप्त होने आए हैं। 2 महीने के बाद 4 साल समाप्त हो जाएंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि उत्तर पूर्व को आगे बढ़ाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है और असम के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान किया। कांग्रेस की नीतियां फूट डालो और राज करो की रही, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सबका साथ सबका विकास के दायरे में रही और इसी के कारण आज नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है। आप जी देख रहे हो पटियाला टीवी। पटियाला टीवी जोड़े आप जी ने सोने पंजाब ते देश नाल। हमेशा देखते रहो पटियाला टीवी।